नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आरसीबी टीम के सलामी बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल को लेकर एक बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, जहां पर दोस्तों पड्डीकल ने नेट प्रैक्टिस में छक्कों की जड़ी लगा दी है। इसके साथ ही उन्होंने बड़ा बयान भी दिया है। तो क्या कहा है पड्डीकल ने आरसीबी टीम को लेकर के, इसी चीज़ के बारे में आगे मैं इस वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों, अगर आप भी आरसीबी टीम के फैन हो और इस साल आईपीएल में देवदत्त पड्डीकल को ओपनिंग करते हुए देखना चाहते हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। वहीं चैनल पर नए हो तो इसे याद से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि रोजाना अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच 19 सितंबर से यूएई में दुनिया की सबसे बड़ी लीग का आगाज होने जा रहा है, जिसको लेकर सभी फ्रेंचाइजी टीमों के खिलाड़ी जो है दुबई के मैदानों में जमकर पसीना बहा रहे हैं। ऐसे में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर आरसीबी के ओपनर बल्लेबाज माने जा रहे भारतीय घरेलू क्रिकेट के युवा बल्लेबाज देवदत्त पड्डीकल का मानना है कि हमारा ट्रेनिंग सेशन काफी शानदार रहा है। आईपीएल के आगामी सीजन से पहले हम सब काफी तरोताजा और अच्छा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, आरसीबी ट्रेनिंग और पड्डीकल के स्टेटमेंट को लेकर के आरसीबी ने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है। ट्रेनिंग के बारे में फ्रेंचाइजी के द्वारा ट्विटर पर जारी वीडियो में पड्डीकल ने कहा है कि ट्रेनिंग बहुत ही शानदार रही है, हम धीरे धीरे इसमें वापस आ रहे हैं, हमारे पास सेशन की अच्छी संख्या है और हम वास्तव में अच्छा महसूस कर रहे हैं। लॉकडाउन से पहले हम जैसे थे ठीक वैसा ही महसूस होने लगा है। ये सब कुछ आपके मूवमेंट, फुर्तीलेपन और जल्दी रिएक्शन प्राप्त करने के ऊपर है। पड्डीकल ने आगे कहा कि यह बहुत ही अच्छा रहा है, हमारे पास कुछ क्वालिटी सेशन है, जबकि सब कुछ तय है कि हम वास्तव में क्या करना चाहते हैं और क्या हासिल करना चाहते हैं। यहाँ के माहौल और स्थितियों में ढलने के लिए हमारे कुछ रनिंग सेशन भी चल रहे हैं और ये टीम के लिए काफी अच्छा साबित हो सकता है। दोस्तों, पिछले घरेलू सीजन में पड्डीकल ने 50 ओवरों के फॉर्मेट वाली और T20 फॉर्मेट वाली विजय हजारी ट्रॉफी व सैयद अली मुश्ताक अली ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाए थे। 20 साल की युवा बल्लेबाज ने 175.75 के स्ट्राइक रेट के साथ 580 रन बनाए थे, जिसके चलते कप्तान कोहली इस बल्लेबाज को अपनी प्लेइंग 11 में जरूर शामिल करना चाहेंगे। वहीं दोस्तों, आरसीबी के ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो जारी किया गया है, जिसमें पड्डीकल जो है नेट्स में बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उन्होंने चौकों छक्कों की जड़ी लगा दी है। जी हां दोस्तों, वो लगातार बड़े बड़े शॉट्स लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसमें से कई सारे छक्के भी हैं। तो भाइयों, ये आरसीबी टीम के लिए और फैंस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, जहां पर दोस्तों हो सकता है कि आरसीबी टीम की ओर से देवदत्त पड्डीकल ही ओपनिंग करते हुए दिखाई दे, क्योंकि वो काफी लंबे लंबे शॉट्स खेल रहे हैं और बल्लेबाजी में जमकर पसीना बहा रहे हैं। वहीं दोस्तों, आईपीएल के 13वें सीजन का आगाज जो है 19 सितंबर से होने वाला है, जिसमें डिफेंडिंग चैंपियन मुंबई इंडियंस का सामना जो है चेन्नई सुपर किंग्स से होने वाला है। आईपीएल 2022 के सभी मैचेस जो है यूएई के अबू धाबी, दुबई और शारजाह में खेले जाएंगे और इस दौरान दर्शकों को स्टेडियम में जाने की अनुमति नहीं होगी। जबकि कोहली की आरसीबी टीम 21 सितंबर को सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ मुकाबले से अपना आगाज करेगी। तो दोस्तों, आरसीबी की टीम जो है लगातार ट्रेनिंग करते हुए दिखाई दे रही है। इसी कड़ी में देवदत्त पड्डीकल का बयान भी सामने आया है। अब ऐसे में देखना यह होता है कि आरसीबी की तरफ से इस साल जो है ओपनिंग करते हुए हमें कौन दिखाई देता है। क्या पार्थिव पटेल, एरन फिंच ओपनिंग करते हैं या फिर एरन फिंच और देवदत्त पड्डीकल ओपनिंग करते हुए नजर आते हैं। दिक्कत एक ही सामने है कि दोस्तों आरसीबी के लिए सबसे बड़ी परेशानी यही है कि अगर फिंच और पड्डीकल ओपनिंग करते हुए दिखाई देते हैं तो पार्थिव पटेल कहाँ खेलेंगे, क्या वो मिडिल ऑर्डर में खेलेंगे या फिर उन्हें टीम से बाहर बैठना पड़ेगा। ये सब दिक्कत की बात होने वाली है आरसीबी टीम के लिए, जहां पर दोस्तों पार्थिव पटेल को भी मैनेज करना पड़ेगा अगर पड्डीकल ओपनिंग करते हुए दिखाई देते हैं तो भी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।